राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के एप्लीकेशन फॉर्म साल 2020 में एडमिशन के लिए 21 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, तो आप सभी को ये सूचना मैं वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ ताकि आप सारी तैयारियाँ करने में अभी से जुट जाएँ, क्योंकि मुश्किल से 8 दिन रह गए हैं जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आना शुरू हो जाएगा और अब जाकर के आप किसी भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हिंदुस्तान में टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं। एक है चैल हिमाचल प्रदेश, अजमेर राजस्थान, धौलपुर राजस्थान, कर्नाटका में बेंगलुरु और बेलगांव, ये दोनों जगहों में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इनकी स्थापना सन 1925 में जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था तो फौजियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया गया था, लेकिन आज इसका जो रुतबा है, एक तरह का अनुशासन है, डिसिप्लिन है, और जो बच्चों की परवरिश है वो इस प्रकार की है कि ये माना जाता है कि 7 साल कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक या 9 से लेकर के 12 तक में बच्चे इस तरीके से पढ़ें, इस तरह के अपना एटीट्यूड इनकलकेट करें कि वो कल को भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में उजागर हो सकें, एक सफल नागरिक और ऑफिसर बन सकें। तो चलिए आपको हम लिए चलते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म के डिटेल पे, कृपया करके इसे पूरा देखिए और देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स ऑफ इंडिया इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन टू क्लास 6th एंड क्लास 9th फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू क्लास 6th एंड क्लास 9th इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल लोकेटेड एट चैल हिमाचल प्रदेश, अजमेर राजस्थान, बेलगाम कर्नाटका, बेंगलुरु कर्नाटका एंड धौलपुर इन राजस्थान। देयर आर 5 मिलिट्री स्कूल्स इन इंडिया और 22 दिसंबर 2019 को इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए। कक्षा 6 में विद्यार्थी जो होंगे उनसे पूछा जाएगा इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज के होंगे और इंग्लिश और मैथमेटिक्स के होंगे। वहीं क्लास 9th से इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंसेस, मैथमेटिक्स एंड साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कक्षा 6 में एडमिशन के लिए एक बच्चे का एज जो है वो 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए 31 मार्च 2020 को, और कक्षा 9th में एडमिशन के लिए एक बच्चे की उम्र 13 से 15 साल तक होनी चाहिए 31 मार्च 2020 को। आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि सबसे पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा यानी कि लिखित परीक्षा होगी, उसको पास करने के बाद में बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और एक बार जब बच्चा इंटरव्यू क्लियर कर लेता है तो हिंदुस्तान के किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और तब फिर फाइनल मेरिट लिस्ट दी जाएगी और तब आपको नामांकन के लिए किसी भी विद्यालय में बुलाया जाएगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, धौलपुर, बेंगलोर या बेलगांव में। बहुत ही अच्छी पढ़ाई, बहुत ही अच्छा अनुशासन और उसी प्रकार से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ बच्चों का परवरिश और बच्चों का विकास कुछ इस तरीके से किया जाता है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर बच्चा एक सफल नागरिक के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर सके। तो चलिए ये एप्लीकेशन फॉर्म की बात है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो 21 सितंबर के बाद में हिंदुस्तान के किसी भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाकर के आप 600 रुपये में बाय हैंड एप्लीकेशन फॉर्म खरीद सकते हैं, खरीदने के बाद में उसको फिल करके और जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर बैठे डाक से मंगाना चाहते हैं तो आपको इसके पते पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के का जो पता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल शिमला हिल्स हिमाचल प्रदेश, राजस्थान अजमेर, बेलगांव, बेंगलोर एंड धौलपुर रेस्पेक्टिवली, किसी भी स्कूल में आप डाक के द्वारा मंगा सकते हैं। आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा 650 रुपये का, और उस पर किसके नाम से ड्राफ्ट बनेगा वो भी मैं बता देता हूँ कि प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ऑल एप्लीकेशंस विल बी रूटेड थ्रू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ओनली। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म खरीदेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से ही खरीद सकते हैं, आप और कहीं से नहीं खरीद सकते। तो कृपया करके ये काम कर लीजिएगा और बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं, जो कि आपके मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि
ऐसे स्कूल्स हिंदुस्तान में बहुत कम है जहां इतने कम खर्चे में इतनी अच्छी पढ़ाई और इतनी अच्छी परवरिश मिलती है बच्चों को। आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि जहां बच्चों की जो फ़ी है पर ईयर की मैक्सिमम 12,000 से 24,000 रुपये तक होती है सिविलियंस की, और जो फौजियों के बच्चे हैं उनकी फ़ी बहुत ही कम होती है 7,4800 से 7,200 रुपये तक पर ईयर की बात कर रहा हूँ। हालांकि गवर्नमेंट का खर्चा पर कैडेट पर एक प्रत्येक साल लगभग 7 से 8 लाख रुपए आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना महंगा स्कूल और इतने कम पैसे में कैसे हमें एजुकेशन दे रहा है, बिकॉज़ ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चलाती है, इसको इंडियन गवर्नमेंट चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, इसलिए ये फ़ी जो है इसकी बहुत कम है। तो आप सभी से गुजारिश बस यही कि मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड लक। याद रहे 21 सितंबर से प्रारंभ है इसके एप्लीकेशन फॉर्म और 20 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि।